सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाए तरनी। सतनाम हो वाहे गुरु साहिब जियो सूही महला पंजवां सिमृत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। सिमृत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। नाम निधान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाओ। मोह बाद अहंकार सर पर रुन्नेया सुख ना पायन मूल नाम विछुन्नेया। मेरी मेरी तहार बंधन बंधेया नरक सुर्ग अवतार माया तंदेया सोधत सोधत सोध तत बिचारेया नाम बिना सुख नाहें सर पर हारेया। आवें जाहें अनेक मर मर जन्मते बिन बूझे सब वाद जोनी परमते। जिनको पहे दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया। खोज हैं कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस हे। विसर नाहीं दातार अपना नाम दे गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहे। विसर नाहीं दातार अपना नाम दे गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार मेहरामत असी संध्या समय सत्संगत माण रहे हैं। इस समा गुरबाणी व्याख्या तां इस विच सूही राग की रचना विचार गोचरे है। गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उचरित किया गया है पावन शब्द आप जी ने जे हुणे स्रोत किया है। बचन दी विचार बीते कल रहाओ दे बंद तो प्रारंभ कीती सी। अज फिर एक नज़र रहाओ दे पदे ते उपरंत शुरुआती पंक्तियां तो बचन नूं अगे सी व्याख्या दे नाल सांझ पाउंदे हो अगे जावांगे। गुरुदेव जो जिक्र कर रहे सी नाम निधान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाओ। नाम निधान अपार गुरु नानक साहब दा जो सारा विचारधारा दा
संकल्प है जो गुरु बाबा जी ने सारी विचारधारा मनुखता दे कल्याण हित बख्शिश कीती है। इहदा जे कोई सेंट्रल पॉइंट जे कोई तुरा देखना होए तो नाम है, नाम दे आले दुआले सब कुछ बुनिया है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़े वर्ड सब तो वध वरी रिपीट होए ने, जिहदी डिस्कशन सब तो वध है बाणी दे विच, ओह भी नाम ही है। हर दूसरी तीसरी पंक्ति डायरैक्टली इनडायरैक्टली कह रही है नाम नाल जुड़, नाम जप नामी नाल जुड़, ये बात हो रही है। इस दे नाल ही बीते कल बात हो रही सी कि साडे समाज विच नाम दे प्रति जिहड़ी कन्फ्यूजन आ, जिहड़ी इलिट्रेशन आ, ओह भी बहुत ज़्यादा है। इहदे विच भी कोई शक है नहीं गा, पर मैं फिर बेनती करांगा गुरबाणी का पाठ करोगे एहसासोगे तुहानू पता लगेगा महाराज की कह रहे हैं, नाम की बात एक्चुअल की है। बीते कल असी कुछ बात पाई इहदे बारे जो चर्चा हो रही सी उहदे च सीगा नाम निधान। नाम एक खजाना आ, तो यह खजाना साडे जीवन दे विच ही पिया हैगा, साडे अंदर ही पिया हैगा। गुरु बाबा जी ने बाणी च भी बयान किया कि नौनिध अमृत प्रभ का नाम दे ही मैं इसका विश्राम। जिहड़ा नौ निधां दा खजाना नाम आ, तेरी देही तेरे नाल ही है। हुण सपोज इहनूं सिंपल किया जाए, जिहड़े लोग नशा करदे ने होर सब इस किस्म दीआं एक्टिविटीज़ दे नाल रिलेट करदे ने अपने आप नूं, ते उहदे च अज फार्माकोलॉजिकल साइट्स तों सानूं इह पता लगा आ कि एक्चुअल लैवल ते जिस चीज़ दे स्लेव बनते हैं दैट इज़ वन कैमिकल, दैट इज़ डोपामाइन। तो ये ना तो अलकोहल विच्चों आ रहा है, ना किसी होर हार्ड कोर दे किसी सबसटेंस विच्चों आ रहा हैगा या आइदर इट्स कोकेन और ओपीएम और एनीथिंग एल्स। जे सही रूप में देखा जाए तो साढ़े ब्रेन विच्चों रिलीज़ होंदा है। ये सारे कैमिकल्स जिहड़े ने साड़ी बॉडी विच जा के ब्रेन की जिहड़ी नैचुरल एक्टिविटी है उहदे विच इंटरफेयर करदे ने, मतलब साढ़े ही ब्रेन नू वो इनसिस्ट करदे ने, पुश करदे ने कैमिकल रिलीज़ करन वास्ते। उहदे दो नुकसान होंदे ने, एक तो ये कि जिहड़ा नैचुरल प्रोसैस है साड़ी न्यूरोसाइंसिस के अंदर जो अंदर वापर रहा है वो खराब हो जाता है। दूसरा उन्हें कैमिकल्स के उत्ते साड़ी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है क्योंकि असं उदे आदि हो जाने हैं, तो अं चाहते वार बार वो कैमिकल रिलीज़ होए, होर रिलीज़ होए, होर रिलीज़ होए, तो असं फिर वार बार ले जाने हैं। यह जो नैक्सट चैप्टर बनता वह होंगे कि मोस्टली कैमिकल्स जोड़े होंगे ने दे आर फुल विद टॉक्सिक्स, बॉडी का टॉलरेंस लैवल वधी जाता है, अंदर टॉक्सिक्स वधी जाते हैं, जहर वधी जाता, बंदा बीमार हो जाता। हुण हो सकता है अलकोहल पी के बंदा कहिंदा नींद तो बड़ी वधिया आउंदी है, पर डॉक्टर कहिंदा भी लिवर चला गया तेरा, ये गेम खत्म हो गई। हो सकता है बंदा जिहड़ा हैगा उस तरीके दे नाल बहुत सारी कोई सबसटेंस वगैरह खा के तुहानूं लगता कि वाह मेरा फोकस वध गया, सब कुछ वध गया, पर नाल दी नाल जिहड़ा ब्लड स्ट्रीम आ उहनूं डिफरेंट किस्म दे इशूज़ नाल डील करना पै रहा है। सो ये सब चीज़ां उस सारे रूप में आउंदियां ने। जे इहनूं इस तरह कहा जाए, मैं हमेशा बच्चों को कहना ऑलवेज ट्राई टू मेक इनफॉर्म्ड डिसीजनस, नोट इनफ्लुएंशियल। किसी ने इनफ्लुएंस किया, पीयर प्रेशर आ गया, किसी ने कहा ओ वाई डोंट यू ट्राई दिस वन, नो 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 नो, फर्स्ट स्टेप इज ट्राई टू गैदर प्रॉपर इनफॉर्मेशन, ज्ञान लवो। ये नाम का राह है, ज्ञान लेना, सोझी लैनी। तो सोझी वास्ते पहली बात यह है, सपोज बंदा ये सारा निधान है, खजाना आ, जिहड़ी मैं कैमिकल्स की गल की वो भी साढ़े अंदर ही पे ने, पर जिहड़ा सारा राह आ हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, हाउ टू अंडरस्टैंड आवर सैल्स प्रॉपरली, हाउ टू मेक कनैक्शन
टू आवर रियल सेल्फ। ये सब अंदर ही उस रूप में है। ये जिस चीज़ ने मदद करनी है वो है शब्द। इतने फिर शब्द नाम बनता है। बंदा है, बंदा कहता है भी सपोज करो तुसी इस तरह है, कह लो कि कंप्यूटर तुहाडे कोल आ ते बट यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट, हुण तुहानू हैल्प चाहिए है। तो हैल्प काम सारे कंप्यूटर ने करने हैं तुहाडे, पर जिहड़ी उस कंप्यूटर नू ऑपरेट करन वास्ते हैल्प आ वह उस कंप्यूटर तो घट नहीं आया। बंदा अल्टीमेटली कहेगा भी कम तो कंप्यूटर ने किए ने, पर ये काबिल मैनू इन्हें बनाया। तो अंदरों ही सब चीज़ा सोझी आनी है। मन ही मन से कहे कबीरा मनसा मिलिया ना कोई, यह मन शक्ति यह मन सीओ यह मन पंच तत्त को जियो, यही है सब कुछ। पर ये बारे समझ कौन देगा? आ शब्द इतने फिर नाम बन जाता है। इनफॉरमेशन कितों लवेंगे? वट इज द यू कैन से क्रेडिबल सोर्स टू अंडरस्टैंड आवर सेल्स प्रॉपरली? अजक लोगों गूगल है, हालांकि मैं कहना गूगल एक क्रेडिबल सोर्स नहीं है क्योंकि एक बिजनेस मॉडल है। वो किसी ने अपनी जो है मनी अर्न करने वास्ते मनी जनरेट करने वास्ते कोई चलाउंदा उन्हों। हाँ उदे विच है बहुत कुछ, पर एंड ऑफ द डे उन्हों का अपना मोटिव तुहानू एजुकेट करना, तुहानू प्रॉपर इनफॉरमेशन देना, नो नो देयर दैट्स नॉट देयर मोटिव। देयर मोटिव इज टू मेक मोर मनी। सो ये बारे भी सानू पता हो इस रूप दे। गुरु ग्रंथ साहब जो गुरु बाबा जी ने पूछा जाए, गुरु बाबा जी तुहाडा मोटिव की है? यू नो यू राइटिंग दैट मच बाणी, यू आर एक्चुअली एस्टैबलिशिंग ए न्यू स्कूल फॉर बिलीवर्स, पीपल हु वांट टू लिव देयर लाइफ इन सम सर्टन काइंड ऑफ डिवोशन, एंड यू आर मेकिंग दैम और यू आर प्रोवाइडिंग दैम और फैसिलिटेटिंग दैम टू बिकम सिख। बाबा जी व्हाट्स योर मोटिव बिहाइंड इट? तुसी क्यों करना चाहते हो? बाणी चर आंसर लभदे आ, ते बाणी च बाबा जी कहिंदे कि जिहड़े बाणीकारां दा मोटिव बड़ा सरल आ ते स्पष्ट आ, प्रथाए साखी महापुरख बोलदे। ये सारे महापुरख ने जिहड़े बोले ने इहदे विच, ते इहनां दा मोटिव इक ही है, प्रथाए साखी टू गिव अस प्रोपर एजुकेशन, सिक्ख्या, सिक्ख्या देण लई सानू सिक्ख्यत करना, ताकि असी एवें इलीटरेट ही अपनी जीवन नू ना किसे लिए विच गवा लईए। साडे जिहड़े डिसीजन होण, साडी जिहड़ा जिंदगी जीण दा तरीका वल सलीका होए, वह वाक्य च ही किसे ज्ञान विचों आवे। सो प्रथाए साखी महापुरख बोल दे। एंड सैकेंड थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द रिलीजियस एक्चुअली स्कूल दे बिकम सम काइंड ऑफ कल्ट। एक अपने आप को सेपरेटिक सेक्ट बना लेना, तो फिर कल्ट च कन्वर्ट हो जाना। बाबा जी ने कहा मेरा मोटिव यह भी है, प्रथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान, इट इज़ फॉर एवरी वन, नो वन इज एक्सक्लूडिड ओवर हेयर, एवरी वन इज इनकलूडिड। ये सब लिए है भाई, ये जिहड़ा राह आते किसी ने, इसे करके गुरुद्वारे की जिहड़ी संस्था आ गुरुद्वारे दे किसी नूं रोक नहीं भाई, कोई आवे कोई आके बैठे सुने। हाँ एक सिर्फ डिसिपलन आ, डिसिपलन इस करके है ताकि जो इत्थे आ रहे ने, जो इत्थे लै रहे ने, वह प्रॉपरली माण सकन उस चीज़ नूं। रोक किसी नूं नहीं है, सिर भजना है, पैरां चों जोड़े उतारने ने, प्रॉपर जगह ते बहना है, सारा कुछ कोरलेट करदा साफ सफाई दे नाल, सत्कार दे नाल, ते एक प्रैक्टिस दे नाल उस सब रूपां दे विच। अदरवाइज जिहिंदर आवत जात हो हटके नाही, कोई सोधर कैसे छोड़ी है जोधर ऐसो हुए। जिस दर ते किसे नू हटकने, किसे नू रोकने, बाहर किसे नू नहीं पूछा जाता भी आर यू बिलीवर ऑफ गुरु नानक साहब और नॉट। इफ समवन इज सेइंग आई एम नॉट बिलीवर ऑफ गुरु नानक साहब, यू कैन नॉट कम इनसाइड, नो, हू हैव द राइट अबाउट इट? भाई तू आना आ, तू आके बैठना सुनना, तेनों कोई रोक कोई टोक नहीं है, क्योंकि ये सांझी सगल जहान ने, सारे जहान लिए सांझा उपदेश है उस रूप में। सो मोटिव गुरु बाबा जी ने क्लीयर करता, सिक्ख्या एजुकेशन संसार कल्याण हिट उन्होंने समझाना दसना है सब। हुण देखो साढ़े अंदर की दुनिया आ, तो बंदा कई बार कह देगा, सपोज कोई भी मनुख कह सकता आ कि
मैनू माड़ी कंपनी, माड़ी संगत, माड़ी खुराक या इवन असी बच्चों के कैंप लाने हाउ टू से नो टू ड्रग्स, नशियां तो ना किवें करनी है। तो बच्चे कई बार वर्कशॉप दे ईजीली कह देने आई कैन से ईजीली नो, वाई वुड आई से यस इफ आई डोंट लाइक इट। मैं क्या ओके ठीक है, लेट्स पुट ए सिनेरियो, योर बेस्ट फ्रेंड इज ऑफरिंग यू समथिंग एट द सेम टाइम इज नॉट जस्ट ऑफरिंग ही और शी इज इंसिस्टिंग यू, यू हैव टू टेक इट अदरवाइज आई एम नॉट गोन बी योर फ्रेंड, देन वट वुड बी योर डिसीजन। इन मुल्क च यह है बच्चे ऑनेस्ट ने, बच्चा मोस्टली सोच के कहता है देन या दैट वुड बी हार्ड। देन हाउ टू से नो टू ड्रग्स, किवें कहेगा अल्टीमेटली जिंदगी खराब हो जाएगी, स्टेक दे तेरी लाइफ है, देन आई हैव टू लर्न। हाँ भाई ये लर्न करना पड़ेगा, गुरु बाबा जी ने ही सिखाया, यही सीखिया, यही सिख बनाया। वकारां दी दुनिया खुली है, चार चपेरे ये संसार है। गुरु बाबा जी कहिंदे मां दी गर्भ दे विच अगन है जिहदे च पॉसिबिलिटी है। असीं कहिंदे ना कि किसी नूं जिहड़ा हैगा आ समन एज ए वन समन वाज एक्चुअली जिहड़ा हैगा बेबी उन्होंने कंसीव किया और संभाल रहा सी, उदों ही पता लगा सम काइंड ऑफ मिसकैरेज हैपनड, दैट इज़ वेरी सैड थिंग। पर पॉसिबिलिटी है, अज भी तुसी देखो कंसीविंग रेट तो लैके डिलीवरी रेशो च किन्ना फर्क है। एक बीजिया होया बीज जरूरी तो नहीं जीवन च कन्वर्ट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि जिहड़ा वसंदड़ो कुहथड़ी थाएं है उत्थे गुरु बाबा जी ने इस तरह बयान कर दे कि जैसी अगन उधरम है, जिहड़ी उधर दी अग आ उह साड़ देंदी है, वह जीवन उत्थे उह परंपन नहीं देंदी। पर वड्डी अलामत यह बनती है कई बार जीवन उत्थे नहीं गलदा, वह पल के बेबी के रूप में धरती ते आउंदा आ, वो एक नवजात शिशु के रूप में एक नवजीवन के रूप में आउंदा आ, फिर उत्थे पलदा, फिर वड्डा हुंदा, फिर वो पल के वड्डा होके सब कुछ होके भी वह कुछ नहीं हो पाउंदा, खत्म हो जाता, वह कोई फलीभूत नहीं हुंदा, वह वेस्ट ऑफ लाइफ हो जाती है। वो पॉसिबिलिटी भी है, वह क्यों हों जिन साहब ने कहा जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जी करता है खेल रचाया, ये करते दी खेड ऐसी, इसलिए ये माया इदियां लपटां चार छपेरे तुरियां फिर दियां ने। बचना किवें है, नाम बचाएगा, सिक्ख्या बचाएगी। तो फिर मैं बेनती की करा, कल शायद बात हुई सी, सिक्ख्या जिहड़ी वर्तन का तरीका आ वह हैगी कंपनी संगत च, सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, नाम वरतदा आ उत्थे, जे नाम दे धारी होवोगे आप होवोगे, तुहाडा दोस्त मित्र होणगे, परिवार होएगा, संगत होएगी, ये सारी तुहानू बचा लेगी सही राह दे उत्ते। यही एक तरीका होया, नहीं तो कल्ले कल्ले जोगी या वेदांती या रिखी या सो कॉल्ड बैरागी वगैरह, ये तो बड़े सीगे, बड़े बड़े स्कॉलर सीगे, एडे एडे वड्डे शास्त्र लिख मारे उन्होंने, पर सब होने के बावजूद भी सोसाइटी का कोई कल्याण ना होया। तुहानू कोई करतारपुर वस्ता नज़र नहीं पाएगा, तुहानू कोई आनंदपुर वस्ता दिसेगा नहीं, तुहानू कोई ऐसा ऐसी कम्यूनिटी बिल्ड होंदी नहीं दिसेगी जिहदी एक चोटी तो लैके तो पैर के नहुं तक छोटे तो छोटा बच्चा तक एक ह्यूमैनिटी दे टोटल वर्चूज दे नाल भर के चल रहा होए। तो इतने एहो जे हार्ड तो हार्ड टाइम दे विच भी वो एथिकली स्ट्रोंग होए, वो ह्यूमैनिटी दे वर्चूज दे नाल क्वालिटीज दे नाल भरिया होए, हर लैवल ते उहदे च सब चीज़ां मिलन, ये उदों ही मिलियां जदों नाम ते संगत दा कॉन्सैप्ट इस रूप विच प्रगट आया। तो कई बार लोग कह भी देंदे ने सिखां नूं इन्ने चैलेंज क्यों, गुरु बाबा जी ने दिखाया एक्चुअल लैवल ते मनुखता ते आखिरकार सब ने मुक मका जाना इत्थे इत्थे काउंट रहा सदा, पर गुरु बाबा जी ने दस्या कि यह ऐसी धात आ जिहड़ी डाढ़ी तो डाढ़ी बलदी अग दे विच भी पिघलेगी नहीं। बड़ा जोर लाया हर लैवल ते पिघलाण दा, पिघली नहीं क्योंकि यह नाम दे विचों कड़के आई है, आ रूप आ इहदी बाबा जी ने बात की। मैं फिर बात नूं मुकामी पासे पासे लैके जावां, नाम एक शक्ति है जिहड़ी असीं सारे कैरी करदे हां, इस नाम की प्रज्वलना
प्रगटा जिहड़ा आ वह इहो जी नाम वर्गी हस्ती जिहड़ी है संगत आ गुरबाणी है एक पंथक मर्यादा दिती गई सानू जिहदे च वाहगुरु नाम सिमरन भी दिता गया सब चीज़ां पार्ट ने उहदा कोई भी चीज़ विच्चों जिहड़ा है माइनस या मनफी करन वाली नहीं है। हाँ इस सारे वास्ते चेते रखिए कि सब सानू एजुकेट करन वास्ते सिक्ख्यत करन वास्ते समझाण वास्ते है ताकि जीवन दे अमल अमाल ये तो गुरु ग्रंथ साहब ने जिन्होंने बयान किया लोग कहिंदे रब की सहु खानी चाहिए रब तो वड्डा कोई नहीं गा बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे नहीं रब तो भी वड्डा कुछ है कमाल हो गई रब तो सच है सच तो वड्डा तो कुछ भी नहीं गा असीं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं सचों ऊरा है सब को सब कुछ सच सच तो छोटा सब सच सब तो वड्डा है पर साहब कहिंदे एक चीज़ सच तो भी वड्डी हो जाती है वो कि है जी सचों ऊरा है सब को उपर सच आचार जदों आचारी तो विहारी जीवन का सच आ जो को बंदा सच नूं अपने बिहेवियर दे विच जीण लग जाता मतलब ये जदों चीज़ तुसीं प्रैक्टिकली किसी चीज़ नूं अडोप्ट कर लैंदे हो ना उहदा कोई मुकाबला नहीं गा गुरमत दा स्कूल ये दसदा है सानूं बाकी नाम महाराज कहिंदे नाम निधान अपार भगता मन वसै भगत जन उहनूं अपने मन च वसा लैंदे ने उह पूरे जिहनूं भगत कबीर जी ने कहा सीगा ना क्योंकि ऐसो ए संसार पेखना रहन ना को पई है रे सूधे सूधे रेंग चलो तुम नत्र कुतक्का दिवई है रे कमाल दा मैटाफोर सिरजा भगत कबीर जी ने सूधे सूधे रेंग चलो तुम सूधे हुंदा है बिल्कुल स्ट्रेट वे इस तरीके ना तुरना रेंग हुंदा है इस तरीके ना वल पा के तुरना तुसी रेंग के तुरदा गंडोया सप देखिया होना सीधा चौ पैरा भी नहीं तुर सकता जिहड़ा चार पैरां वाला जानवर आ वह भी नहीं तुर सकता क्योंकि जो चार पैरां ते मूव करता उहदे च थोड़ा वल पैंदा सीधा तुर सकता दो पैरां ते तुरन वाला बंदा एवें पैर नाल पैर जोड़ के वह भी जो बिल्कुल उहनूं कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी एंड अलाइन बिल्कुल उहदी बॉडी हैगी है। बाबा कबीर जी ने कहा यह राह ऐसा आ जिहनूं जिहनूं बाणी च इस तरह बचन पढ़दे आ कर बंदगी छाड़ मैं मेरा भगतां दा राह ते इह है ना हिरदय नाम संहार सवेरा हिरदे च नाम है तो ये चढ़ी हुई सवेर संभाल एक्चुअली ये जिहड़ा है ये वक्त अजाई ना गवाए ये वक्त मुड़ के मिलना नहीं तेनों इहदी बात कीती गई हुण जिहड़ी वह चीज़ आ बाबा कबीर जी कहिंदे कि सूधे सूधे इस राह दे उत्ते बिल्कुल स्ट्रेट तुरना तू मेन कोई सज्जे खब्बे ने कोई एक्सक्यूज नहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं वकारां तो किसी चीज़ तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मेरा राह आ फिर रेंग चलो तुम तो कला सीधे नहीं जाना इत पैर एवें चकना भी नहीं बिल्कुल नाल सीप के जाना इस तरीके ना बिल्कुल इस रूप दे नत्र कुतक्का दी वही है रे कुतक्का कभी आपने हुण ते पता नहीं मैनूं इस रूप दे विच कभी सप देखिया होए पंजाब की फिजां दे विच इत्थे ते ना हो जाए एनवायरमेंट ना उस तरीके नाल आपने देखा हो जो सप इस तरीके भजदा आ हुण सप जमीन नाल तुरदा आ बिल्कुल सीप के जो कि सप उच्ची नीवी जगह तो जिन्होंने पंजाबी असी वाण कहने जिहड़ा खेत जिहदी कल्टीवेशन होई हैगी उस खेत दे विचों दी उहदे विचों जो सप लंघदा आ तो जे कितें थोड़ा जिहा उच्चा हो जाए तो हवा तेज़ चलती होए जिवें इस तरीके थोड़ा उच्चा हो जाए हवा थोड़ी जी तेज़ चलती है सब पलट जाता गेड़ा खा जाता क्योंकि हवा तो फिर है क्योंकि वो पैर तो है नहीं जो एक करी घूम गया फिर उन्हें बैलेंस बनाने लग्या बहुत टाइम लग जाता वो कितनी दूर तक ही लटक जाता क्योंकि इस तरीके का गोल है एक कुतक्का आ जो एक करी इस तरीके बंदा जिन्ना मर्जी सियाणा बंदा होए जो मर्जी होए जे कितें एक बारी कोई माड़ी हैबिट डिवेलप हो गई कोई चीज़ हो गई बंदिया नूं कई बारी उम्र लग जा मैं तो खुद जिहड़े लोग एडिक्शन नाल या होर चीज़ां नाल डील करते हैं उन्होंने रोज़ असी तो बैठते हैं इस तरीके नाल मैं देखदा लोग कलपते रोंदे किहड़ा दिन सीगा जिस दिन मैं आह कम शुरू किया क्योंकि हुण हालत यह है कुतक्का एक ऐसा मैं फिसलिया वा ऐसा उस चीज़ तो जिहड़ा है स्लिप किया बैलेंस ही नहीं बन रहा वापसी हो ही नहीं रही बाबा कबीर जी ने कहा चेते रखी
इस राह तो बिल्कुल भी सज्जे खब्बे नहीं जाना, बल्कि बिल्कुल एवें जाना आ सूधे सूधे रेंग चलो, तू बिल्कुल नाल सीप के रंगना इस तरीके दे नाल। उड़े दी मिसाल नूं जे असीं प्रैक्टिकल वे नाल देखिए ना, तो सप जिहड़ा आ उह वल पा के भी जांदा है, तुर इस तरीके नाल जांदा है, पर बिल्कुल सीधा भी तुरदा, बिल्कुल सीधा सीप के। पता सीधा कदों तुरदा? जदों अपनी जिहड़ी उहदी खुड हुंदी है बिल, जो होल जिहड़ा उहदे च जांदा, उहदे च कोई जगह नहीं हुंदी वल पाउण वास्ते। बिल्कुल उस तरीके नाल बिल्कुल सीधी सीधा ही जाना पएगा। जिहड़ा नाम दा राह आ ना, जे तुसीं इहदे च उतरना, इत्थे दरबार साहब गए हो गए, दुनिया का हर एक मंदिर देवालय कोई भी धार्मिक स्थान तुसीं देखोगे, हर एक दे उत्ते तुहानूं पौड़ियां चढ़ के जाना पएगा। दरबार साहब एक वहद ऐसा स्थान है जिस पौड़ियां उतर के जाओगे थल्ले। इस तरीके दे नाल एक सिंबॉलिक चीज़ है ये, जिहड़ा डिसिपलिन है ना, इहदे विच उतरना पैना तुहानूं, ते इहदे अंदर कोई होर चॉइस नहीं है। बंदा कहे वो मैं थोड़ा जिहा गुरु दा स्कूल फॉलो कर लैंदा एंड बाकी आई विल मेक बाय माई सैल्फ, नो नो, बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज। जिथे थोड़ी जी चीटिंग की नहीं, थोड़े जे सज्जे खब्बे किया नहीं, तो इस करके साढ़े कई बंदे कहते हैं कुछ नहीं, जिवें दूजे लोग गल्लां करदे एवें सिख गल्लां करदे, कुछ नहीं बाणी पढ़े एवें कुछ नहीं हुंदा, मैं बड़े लोग देखे ने। ठीक है भाई, सूधे सूधे रेंग चलो, तो बिल्कुल उस घर च उतर एग्जैक्टली, फिर देख तो ये कमाले करामात है। असल गुरु अर्जन साहब जिक्र करते नाम निधान अपार भगता मन वसे, जदों इस तरीके उन्होंने मन में उतर जाए वह चीज। फिर क्या, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै, साधु का संघ मिलया। इतने साधु साडा भगत कबीर ही है, भगत नामदेव, भगत सदना, भगत सिंह, साधु ने साढ़े। इन्हां दे नाल जन्म मरण मोह दुख जिहड़े सब तो वड्डे जीवन के दुख ने सब नाश हो जाते हैं। हुण शुरुआती पंक्तियां पढ़दे हैं शब्द दियां, सिमृत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। इंडिया का तो मैं यूनिवर्सिटी मॉडल से चीज़ नहीं देखी, बट इत्थे यूनिवर्सिटीज़ दे विच बड़े डिफरेंट डिफरेंट सबजैक्ट्स ने पढ़ने वास्ते, बड़िया डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल इन्होंने एवेन्यूज़ बनाए ने, कॉम्पोनेंट्स बनाए ने, जिन्हें जाके तुसी बड़ी जो हैगा स्पेसिफिक जिहड़ी है मेजर एजुकेशन, जिहड़े मेजर सबजैक्ट्स दे विच वक्खरा वक्खरा अपना एक एक सबजैक्ट चूज करके उन्हों तुसी गेन कर सकते हैगे हो। इत्थे एक सबजैक्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअल लैवल ते जिहड़े ह्यूमन सिविलाइजेशन दे विच जो कुछ पैदा होया उहदी कल्चरल लैवल की सारी स्टडी का नाम हुंदा। मतलब एक तो होया भी किसी भी चीज़ में, जिवें सपोज करो लोग कई बार अपने आप को उच्चियां खवाण वास्ते किसी नीवा वैसे ही कह देंगे ने भी आ नीवा है तो मैं उच्चा हाँ, यहो जी बात हो गई। खानदाना परिवारों के भी गल हो जाती है, कई बार भी तो आपने देखा होगा कि कोई परिवार अज बहुत अमीर हो गया तो उसनों आके दूजा कोई बंदा दसता उस परिवार बारे किसी होर नू, वो फलाने बड़े अमीर हो गए ने भाई, तो वह कई बार ये गल कहते लै आ अमीर हो गए ने, कल दियां गल्लां ने इन्हां दे घर रोटी नहीं सी पकदी हुंदी। रीजन ये भी भंडना उन्होंने, दे आर नॉट गुड। या कोई बंदा गरीब हो गया तो उसनू कोई बंदा कहे भी वह भी चलो हुण ये दिन तुहानूं वेखणे पैण, वह कहिंदा नहीं नहीं पता तेनों असी भी शाह होंगे सी, आज जिहड़े लोग अज अमीर बने फिरते ने साढ़े दादा जी दे नौकर सीगे। इस किस्म दे नाल असी कंपैरिजन करते हैं, असी रियलिटी नू फेस करन दी बजाय इस किस्म दीआं चीज़ां करते हैं, तो इहदे नाल ना तो असी वड्डे हो सकते हैं तो ना कोई होर छोटा हो सकता। एक्चुअली सही चीज़ नू सही तरीके नाल ही बयान किया जाए, सही तरीके नाल ही समझिया जाए। जिहड़े हजारां हजारां सालां तो लोग उस खिते उस धरती ते रहे, जिन्हां ने बड़े वेद शास्त्र उपनिषद बड़ा कुछ लिखिया लिखाया,
गुरु बाबा जी ने बाणी च कदी भी नहीं कहा कि भाई उन्होंने तुसी ना पढ़ो, उन्होंने बरखिलाफत खड़े हो जाओ ना। बल्कि बाणी च असीं पढ़दे हां कि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे। भाई इन्होंने एवं झूठे झूठे ना कहो, एक्चुअल लैवल ते समझो ये है की है। उच बात की हुई है कि जदों 1947 तो बाद जिहड़ा वो सारा सिस्टम एक अलीट दे हाथ आ गया, तो अलीट दे विच भी जवाहर लाल नहरू प्राइम मिनिस्टर बनता है, पंडित नहरू। हुण पंडित नहरू सीधे तौर पर है, आप आइडिया ला लो, तो मोस्टली प्राइम मिनिस्टर जिहड़े ने पंडितों के खानदान चो आए हैं या उन्होंने नाल अलीट च रहे ने सारे सारे। तो सारे दे विच जिहड़ा सिख समाज सीगा इहनू चैलेंज बड़े रहे, मतलब एक पास्यो अपनी 50% दे नेड़े कम्यूनिटी मतलब कतल करवा के अपनी 60-70% जायदाद सारी खराब करके सारा कुछ, तो अपना अपनी जिहड़ी सारी पोलिटिकल किस्मत आ, अपना जिहड़ा राज सी उन्हां दा सारे सारा भाग आ वो भारती खिते दे नाल जोड़दे ने। हालांकि उन्हां कोल कई होर ऑप्शन सीगे उस वक्त, तो इत्थे आउंदिआं नाल सब तो पहला उन्हां नूं तोहफा दित्ता जांदा भी ये जिहड़ा हैगा एक तरह का जराइम पेश, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लोग ने। तो इतों आइडिया ला लो कि सोसाइटी क्या हो जाए हालात बन गए। सो एक बिटरनेस क्रिएट हुई, उस तो बाद असी सफ़र भी बड़ा किया, कोई किसी तो लुकिया नहीं है, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट पिया है, लखां दे लख बच्चे मर जिहड़ा है कतल कर दिते गए, सब चीज़ा हुई। सो ये सब चीज़ा साडे सामने ने, इन्हां सब नूं वेख समझ के पढ़ के असी फिर कई बार उस रूप च अहसास करदे। पर साडे अजकल कुछ लोग जिहड़े ने उह बिल्कुल कहिंदे उह नहीं नहीं नहीं, हुण ते बस इन्हां नूं मतलब जिवें जिन्ना भी हो सके इन्हां नूं पंड दिओ, इन्हां नूं इस तरह कर दिओ इस तरह कर दिओ, बिल्कुल ये इन्हां दा करैक्टर इन्हां दा किरदार जिहड़ा है दोगला है, सब चीज़ां बिल्कुल ठीक है। पर तो गुरु ग्रंथ साहिब नूं असी पढ़ रहे हां, जिवें आही शब्द आ रहा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, गुरु बाबा जी ने उन्हां नूं मैनशन किया इत्थे, तो मैनशन करद्या होया बात की, जिवें गुरु अमरदास साहब ने एक जगह बचन लिखा वेदां मैं नाम उत्तम सो सुणै ना ही फिर जो बेताले, फिर नाम की गल आ रही है। हुण सिमरतियां पढ़ लो, वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, जो भी पढ़ना पढ़ो भाई, अपनी पूरा उस तरीके पढ़ो, पर एक्चुअली वह सार तत्व भी वेखो ना की है। जे सार तत्व यही क्ढना आ कि ब्राह्मण सरोपरि है, यदि पूजा होनी चाहिए है, दिन थित्तों वार विचारने चाहिए ने, तवी धागे पाने चाहिए ने, वहम परम भाई ये तो जीवन का कल्याण नहीं करेगा ना, ये तो सब जीवन ये तो बर्बाद हो जाएगा जीवन। जे जीवन का कुछ कल्याण करना आ तो फिर वह सिक्ख्या चाहिए है, मनुख न मनुख किवें बना, मनुख न मनुख बना के किवें रखना आ। जिमें फिर एडिक्शन चो एग्जाम्पल करता हाँ, जे कोई बंदा किसी सबसटेंस या किसी हैबिट या किसी तरीके एडिक्ट हो जाए, पहला काम होंगे वो रिकवरी, उन्होंने रिकवर किया जाए, वो बहर लिया जाए। दूसरा पड़ा है मेंटेनेंस, उन्होंने मेनटेन रखा जाए। मनुख पथित हो गया, मनुख अपने तवाजन तो डिग गया, मनुख औगुणा नाल भर गया, उन्होंने औगुणा तो बहर क्ढना आया। जिहड़ी रचना, जिहड़ा ख्याल, जिहड़ा बचन, जिहड़ी सोच, जिहड़ी एक्टिविटी, जिहड़ी कारगुजारी इहदे च मदद करती है, वह नाम है। इस तो सरल होर की कहांगे असीं। गुरु बाबा जी ने कहा जे दयानतदारी नाल ईमानदारी नाल जे कोई लोग इस नूं पढ़न समझणगे, भावें दुनिया के जिहड़े मर्जी शास्त्र एग्जाम्पल तौर पर गल की है, जिथों मर्जी तुसीं लै आओ, सारे पुकार के इको गल कहणगे, एक ही आवाज़ आएगी, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, किहड़ी चीज़ जी, नाम बिना सब कूड़ गल नहीं हो छियां। जे नाम ना पकड़िया, जे ये जीवन के सुधार वाला पक्ष ना फड़िया, गल नहीं हो छियां, सब गल्लां हो छियां ने, सब बेकार, किसी काम की नहीं है। बाकी सब चीज़ा जिहड़ियां ने वो भावें तुसी वर्त रख लो, भावें तुसी नियम रख लो, भावें तुसी तीर्थ पूज लवो, ये तो गुरु ग्रंथ साहिब वार वार कह रहे सानूं, तीर्थ वर्त अरदान कर, किहड़ी चीज़ हो रही है, इको चीज़ आ रही है उसचों, मन में धरै गुमान। एक फेक बंदे का कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है, बंदे का एक प्राइड हाई हो रहा, फेक प्राइड, आई एम डूइंग समथिंग,
बाई डूइंग समथिंग, दो टाइम रोटी नहीं खाधी कि आसान करता एडा वा, उस तो बाद ज़्यादा खा लिया बल्कि अनाज। भाई जे कुछ करन वाली गल है ना तो वह है जिंदगी दे विच्चों कूड़ कटा, झूठ घट बोल। जिहड़ी चीज़ करन वाली है वह है किसे अपने तो पराए का भला कर जाके, सोसाइटी च एहो जी जीवन जात सैट कर जिदे सारियां लई रहना सारियां दा जिउणा इत्थे उह सही हो सके। जे राजसी तौर ते किते बैठा आ महाराजा रणजीत सिंह वर्गी सोच अडाप्ट कर सांझीवालता, इह एक्चुअली धारा आ। जे ये चीज़ नहीं आ रही बाकी बाकी की दीवे घमाले तो की आरतियां कर लिया कि नथिंग, दैट इज जस्ट, ये तो सब गल ही हो छियां, दैट इज इट्स ब्लैक एंड वाइट रिटन ओवर हेयर। बाबा जी कहिंदे ये होछी गल है, ये गल किसे मायने च नहीं आउंदी, ये सब बेकार रूप में चीज़ है। वो दी बात आ रही इस तरीके दे नाल, वो दी बात की गई, नाम बिना सब कूड गल नहीं हो छियां। मोह बाद अहंकार सर पर रुनिया, मोह बाद अहंकार। तुहानूं अज अपने घर दे विच वी सोशल मीडिया यूट्यूब ते जिहड़े खास करके कुछ आउटलैट्स आ गए ने इहो जिहे, इन्हां ने एक अजीब तरह की हालत बना दित्ती है कि हर बंदा जिहड़ा हैगा उह स्कॉलर बन गया। तो नो डाउट सारिआं नूं हक हकूक होना चाहीदा है, पर कुछ चीज़ का कोई म्यार हुंदा है, कुछ चीज़ का कोई कारण हुंदा, उहदा बेनीफिट कोई नुकसान किसी रूप दे विच। अज तुसीं देखोगे बस विवाद लई बहस हो रही है, कढ़न पाउण नूं कुछ भी नहीं। तो ये अज की गल नहीं गई, जिहनूं महाराज की बाणी की व्याख्या करदे भाई गुरदास जी ने कहा सी ना कि सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मुलाणे। वो बामण मुलाणे तो पता नहीं खेंदे ने कि नहीं खेंदे, पर तुहानूं अपने घर च खेंदे मिल जाणगे बामण मुलाणे बतेरे सारे। यही चीज़ है धार्मिक आगू। इत्थे गुरु बाबा जी ने बात की मोह बाद अहंकार। जिहड़ा बंदा हंकार की भेट चढ़ के वाद विवाद के मोह च पै गया, तो स्वाद बड़ा इस गल का, इतना इतनी चस या इतना रस या इस गल का भी मैं किसी की बदनामी कर रहा, कोई मेरी बदनामी कर रहा, कोई इस तरीके अजीब हालत है, ये सारे दे विच बंदा एनर्जी वेस्ट करके जिंदगी बेकार करके चला जाए, ये नाम का राह नहीं गा। बात इतों ही आने गल शुरू करा, समा समाप्त है, इतने समाप्ति करद्या आवाज़ दे के कह देना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।